हाय मेरे YouTube की फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ऐसे एक वीडियो आपके लिए सॉल्यूशंस के साथ में लाते रहते हैं हम, और साथ में आप और हमारे इंस्टीट्यूट का भी फीडबैक बताते रहते हैं, ताकि अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें तो ये सोच के ज्वाइन करें कि हाँ, मैं सीख के ही जाना है और सिर्फ यही सीख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम बातें नहीं करते हैं और हम सिर्फ रिजल्ट देते हैं, हमारा काम ही है। और सीधी सी बात ये है कि आज मेरे पास एक आईफोन है, iPhone 6। मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें ना पावर की वर्क नहीं कर रही है। तो उस पर पावर की क्यों वर्क नहीं कर रही है, तो इसका जो वोल्टेज है वो हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसका रीडिंग मिल रहा है पर वोल्टेज नहीं मिल रहा। तो आईफोन की है ये बात, एंड्रॉयड की नहीं है। आज एक वीडियो पर ये देखिएगा सब लोग, क्योंकि इससे आप लोग को सीखने मिलेगा किस तरीके से अगर आपके पास कल को आईफोन भी आता है या एंड्रॉयड भी आता है तो आप उसको भी बना सकते हैं। तो मैं इसको पहले बताता हूँ कि पावर की वर्क कैसे करती है नॉर्मली आईफोन में। तो आईफोन की पावर की कैसे वर्क करेगी, तो सबसे पहले मैं आपको इस पर बताता हूँ। तो आप पहले बोर्ड पे देखिए, फिर बाद में मैं उसको दिखाऊंगा कि कब हम इसको ये बता सकते हैं कि पहले आप ये देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इस आईफोन में टेस्ट करके कि इसकी पावर की पे क्या क्या रीडिंग आ रही है, वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ मैं आपको इस पर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस बोर्ड में थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि पावर की वर्क कैसे करती है। तो दोस्तों, बेसिकली आईफोन में जो पावर की होती है, तो देखिए आईफोन जो हमारे बैटरी कनेक्टर होता है आईफोन में, नॉर्मली तीन ही कनेक्टर होते हैं, तीन ही पिन होती हैं। एक ग्राउंड होता है, एक हम SWI और एक हमारा होता है VBAT, ठीक है। सो, हम जब ये लाइन जब कनेक्ट होती है तो ये लाइन बेसिकली हमारी सीधी टिग्रिस IC को, जिसको हम चार्जिंग IC बोलते हैं, चार्जिंग IC के थ्रू जाती है, ठीक है, चार्जिंग IC के थ्रू जाती है। और इसी IC से ये DC to DC कन्वर्ट होता है और ये बन जाता है आपका VBAT से VCC। और इसी कन्वर्सन के बीच में बेसिकली इस तरीके इस यहाँ पर एक IC और लगी होती है Q करके, और जो IC प्रोटेक्शन IC होती है एक तरह से, ठीक है, प्रोटेक्शन IC होती है, ये 9 वोल्ट की IC होती है इस तरीके से, तो ये लगी होती है। बट जो हमारी मेन IC होती है ये होती है DC to DC प्लस आपकी चार्जिंग IC, जिसको टिग्रिस IC कहा जाता है आईफोन में। अब यही लाइन VCC बनकर सबसे पहले ना आपके पावर IC के अंदर जाती है। ये आपका VCC बनके ये लाइन प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी लाइन ही बुलाते हैं दोस्तों। ये लाइन जाती है जिसमें आपके कुछ कैपेसिटर्स आपको पैलर जिसमें आपको कुछ कैपेसिटर्स आपको पैलर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे आप यहाँ पर बैटरी लगाते हो तो आपको पावर IC के अंदर ना 4 वोल्ट आ जाना चाहिए। अब पावर AC का काम बहुत सारा है। मैंने दोस्तों बूस्ट सर्किट बहुत सारे डाले थे, मैंने इससे पहले जो बूस्ट सर्किट डाला था पिछले साल कोरोना में, तो iPhone X का डाला था। देखिए, आप देख सकते हैं ये थंबनेल, अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक में आपको मिल जाएगा। और इसको कॉपी किताब लेके, कॉपी और पेन लेके देखना, क्योंकि इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यही आपको क्लास में भी सीखने को मिलेगा कि काम कैसे करता है सर्किट। IC निकालना लगाना तो सिखाते हैं आपको सर्किट कैसे काम करता है, जिससे हमें पता चले कि हमें बनाना क्या है और कैसे है, फॉल्ट फाइंडिंग सबसे मेन। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारा पहला काम हमने बैटरी लगा दी, दूसरा काम हमारा DC to DC AC ने किया, और तीसरा हमारे को पावर में वोल्टेज मिल गया, ठीक है। अब पावर के तो बहुत सारे काम है, बूटिंग में इसको समझाना चाहूँ तो मैं वो भी समझा सकता हूँ, पर अभी क्लास बूटिंग की नहीं है, क्लास पावर की है ओनली। ये क्लास है पावर बूटिंग, कि पावर कैसे बूट करता है बेसिकली। तो हमारे आईफोन 6 में जो अगर मैं बात करूं, पावर का जो सर्किट लगा हुआ है और जो IC लगी हुई है, उस IC का नाम है U1202। ये हमारे IC का कोड है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, दिखाऊंगा जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं ये काम कर रहा हूं। तो सॉफ्टवेयर में इसको हम U1202 से हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे ही इसको 4 वोल्टेज मिलते हैं, ये एक वोल्टेज निकालता है और वो होता है 1.8, इसको हम ऑलवेज वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। ये तब निकालेगा जब आप बैटरी लगा दोगे, ठीक है, तो ये निकाल देगा। तो ऑब्वियस है कि पावर से है ना, और पावर क्योंकि हर फोन में एक और IC होती है, मेन कंट्रोलर माई बाप आपका CPU, और CPU का जो कोड है, जो CPU का हमारे आईफोन में कोड है वो है U 0201,
ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी आईफोन से ना एक सिग्नल वोल्टेज के लिए जाता है, पावर ऑन के लिए, जो हमारा पावर की कनेक्टर लगा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक सिग्नल जाता है, और सेम चीज़ कंट्रोलिंग के लिए हमारा वही सिग्नल जाएगा हमारा सीपीयू से, और उस सिग्नल के से आपको इस तरीके से एक कॉइल आपको देखने को मिलता है, और एक डायोड लगा होता है आईफोन में, प्रोटेक्शन के लिए एक डायोड लगा होता है, जिनर डायोड, और ये 2 नंबर की पिन पे चला जाता है, जिसका हम अगर कनेक्टर नंबर बताएं आपको, तो कनेक्टर है J0801, 2 नंबर की पिन पे। तो जो हमें यहाँ पर रीडिंग मिलती है, जिसको हम GR बुलाते बुला सकते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज जो चाइनीज़ों ने रखी थी, किसी पर्सनल एक आदमी ने नहीं रखी इसको बनाया गया चाइनीज़ के थ्रू, बट ठीक है, आप इसको पल्स रीडिंग कुछ भी बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पर ना जो मिलेगा वो +500 मिलना चाहिए से, आपको इसके बीच में आपको GR मिलना चाहिए, इस ओम्स के बीच में, ठीक है, स्टेबल GR मिलना चाहिए, ओके। और ये जो कॉइल लगा हुआ है ना, ये कॉइल भी मैं आपको दिखाता हूँ, जनरली ये कॉइल कहाँ लगी हुई थी, ये कॉइल जस्ट कनेक्टर के पीछे बैकबोर्ड में लगी होती है, और कॉइल का नंबर जो होता है आईफोन में, आप बिल्कुल इसको कॉपी लेकर नोट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, कभी भी iPhone 6 आया तो बना लोगे, ठीक है। कॉइल्स आपको पता है DC को पास करती है, कॉइल बहुत सारे काम होते हैं, सीरीज में यहाँ पे लगी हुई है। और दोस्तों सिर्फ इतना सर्किट से आपका पावर की काम नहीं करता, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 1.8 ऑलवेज, तो इसको 1.8 वोल्टेज ऑलवेज, सो बेसिकली इससे है ना एक लाइन और जुड़ी रहती है, एक रजिस्टर और जुड़ा होता है इस तरह से, ये देखिए, और ये रजिस्टर इस 1.8 वोल्टेज के साथ जुड़ा रहता है, पुल अप रजिस्टर के जैसे। तो पुल अप रजिस्टर के साथ में ये जो रजिस्टर होता है, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो रजिस्टर है यहाँ पर कितने ओम्स का होगा। तो ये जो रजिस्टर है दोस्तों, पुल अप रजिस्टर अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो ये 220K का होता है, ठीक है, इस तरीके से पुल अप रजिस्टर यहाँ पर लगा होता है, जो कि जाता है, और सेम यही वोल्टेज आपके सीपीयू को भी जाते हैं, मतलब ये जो वोल्टेज होते हैं ये सेम वोल्टेज आपके सीपीयू को भी जाते हैं 1.8 ऑलवेज। और इस चीज इसी तरीके से बूट अप होता है, इसी तरीके से बूट होगा आपका मोबाइल। और तो देखने की बात है कि आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, आप करेक्टर पे सबसे पहले आप GR चेक कर सकते हैं नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे आप अगर GR आ रहा है तो आपको चेक करना है वोल्टेज, जी हाँ वोल्टेज, तो वोल्टेज कितना, तो जनरली इस पे 1.8 वोल्टेज GR मैंने आपको बताया था, +500 ओम्स। सो अगर आपको दोस्तों दोनों चीज़ भी आ रही है फिर भी पावर की वर्क नहीं कर रही है, तो मैं कहने का मतलब ये है कि आपको ये चेक करना है, देखिए 1.8 वोल्टेज जो कि 1.8 से आ रहा है, ये चेक करना है कि पावर एसी के अंदर तक का बैक से वो सर्किट गया है कि नहीं गया, मतलब आपको सबसे पहले पावर एसी पे काम करना है सबसे पहला, और दूसरे बार आपको फिर सीपीयू पर हालांकि काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत पटके उठके साइडों में, पर ठीक है, कोई भी कंडीशन किसी भी फ़ोन में आ सकती है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो चलो इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप फ़ोन को यहाँ जैसी बैटरी लगाएंगे आपका 4 वोल्ट बनेगा, DC to DC AC उसको आगे भेजेगा, पावर को 4 वोल्ट मिल जाएगा, अगर यहाँ पे शॉर्टिंग हुई तो यहाँ पर नहीं होगी। और मैंने बहुत सारी जगह कॉम्पोनेंट नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लगे होते, लगे बहुत सारे होते हैं, बट अभी ये आपको बेसिक बता रहा हूँ। अब जैसे ही इसको मिल जाता है, एक 1.8 ऑलवेज वोल्टेज निकलता है, पावर से एक वोल्टेज के लिए लाइन निकलती है जो स्विचिंग की लाइन होती है, और वही स्विचिंग की लाइन जब हम इसको ग्राउंड करते हैं तब ये पावर IC एक्टिव होती है, और इसको एक्टिव करने के लिए CPU इसको कंट्रोल भी करता है, ताकि कंट्रोल CPU भी एक्टिव हो जाए साथ में, पावर तो एक्टिव होती है, पावर के साथ एक्टिव होने के लिए जो फ्रिक्वेंसी बनती है जो उसकी जिससे CPU काम करता है, इसके साथ में ना क्रिस्टल IC लगी होती है, और ये जो क्रिस्टल IC होती है दोस्तों, ये होती है बेसिकली 32 किलो हर्ट्स की क्रिस्टल IC होती है, और यही फ्रिक्वेंसी बनाती है जिससे आपका CPU रन करता है। तो है तो बहुत सारी CPU को फिर बक वोल्टेज भी चाहिए, NAND को भी वोल्टेज चाहिए, और बहुत सारी जगह पे ऐसे जगह है जो पावर AC वोल्टेज भेजता है बूटिंग होने के दौरान, और उस टाइम पे कुछ I2C लाइन भी काम करती है, उसी I2C लाइन से ही आपका पावर आपके उसी I2C लाइन से ही आपका मोबाइल फोन ऑन होता है, आपके डिस्प्ले को पता चलता है कि भाई फोन ऑन हो रहा है, I2C की कमांड आती है तो वो अपना डिस्प्ले ऑन करता है,
आपके U2 और आपका बहुत सारे IC हैं इसके अंदर होती है, लाइट IC जिसमें I2C की सप्लाई लाइन जाती है जिससे फोन हमारा ऑन होता है। तो चलो ठीक है, ये पढ़ा आपने बेसिक हार्डवेयर जिसको थ्योरी लेवल पे, अब यही चीज आप देखिए कि आप प्रैक्टिकल लेवल पे, हालांकि जिस फोन पे मैं काम कर रहा हूँ उस पर तो मुझे पावर IC को रिवॉल्व करना है। सो iPhone 6 पावर IC रिवॉल्व हम करेंगे, पर एक बार आपको जी रीडिंग और वोल्टेज दोनों दिखा देते हैं। चलिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और यहाँ पर है मेरे पास iPhone 6, ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है आप मान के चलिए, और हम इसकी पावर की बना रहे हैं। ये इसका कनेक्टर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, और आप मल्टीमीटर भी देख के रहिएगा, देखिए आपको मल्टीमीटर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर पावर की कनेक्टर भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस कनेक्टर पे सबसे पहले हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर ये जो ये पिन की सप्लाई है, यहाँ पर आपको रीडिंग आना चाहिए GR, जिसको आप पल्स रीडिंग कुछ भी बोल सकते हैं। सो एक बार मैं यहाँ पर कोल्ड टेस्टिंग करूंगा, तो आप देखिए मैंने +500 बोला था जो कि रीडिंग आ रही है 595 ओम्स, स्टेबल बिल्कुल, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर मैं बूट केबल लगाता हूँ दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम बूट केबल लगाऊंगा, तो देखिए अब मैं यहाँ पर बूट केबल लगाता हूँ, यहाँ पर यह है बूट केबल और यह है मेरे आईफोन की जिसमें मुझे लिखा हुआ है यहाँ पर iPhone 6G, और ये मैंने बूट केबल यहाँ लगा ली है। देखिए यहाँ पर मैंने बूट केबल लगा ली है, यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ, सामने टीवी पे देखिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक करूँगा, तो अब मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक करूँगा, तो मैं आपको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ हमने इसको किया है 20 DC वोल्ट, और दोस्तों ये पावर IC का ही मसला है जो कि पावर की पैक, क्योंकि 1.8 वोल्टेज भी हो सकता है मिसिंग हो जो नहीं आ रहे हों, और इसको चेक करने के भी और रास्ते हैं, पर पावर की में सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे जो कि हमें देखना है कि वोल्टेज हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, आप जैसे देख सकते हैं कि देखिए, तो देखिए आप यहाँ पर जो वोल्टेज दिख रहे हैं आपको वो 0.9 है, जो कि मुझे मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज लगभग मुझे मिलना चाहिए, और मतलब मुझे सही वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं, और यही है कारण कि देखिए फ्लक्चुएट भी कर रहे हैं, यही कारण है कि देखिए एक वोल्टेज हो गया, यही कारण है कि मेरा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं इसको ऑन करके, मैंने हालांकि इसमें ऑन किया हुआ है पर ये ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी पावर IC को निकालते हैं, और पावर IC को निकालने के बाद में हम इसका जो पैड है वो पैड पे देखेंगे, वो पैड है जो पैड है वो पैड पे देखेंगे। तो हमारा जो पावर IC है वो निकलने के बाद में पैड पर मैं आपको दिखाता हूँ, टीवी दिखाइए जरा यहाँ पर, ये देखिए आपको यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा पावर की है बटन टू होल्ड, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और सेम चीज़ ये कनेक्टेड है, जस्ट इसके पीछे यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है जो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि रीडिंग नहीं आती अगर ये कॉइल ओपन होता तो, और यहाँ पे ये जिनर डायोड लगा हुआ है, और अगर मैं इसके बाद बताऊँगा तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये इसके बाद ये देखिए यहाँ पे CPU के साथ जा रहा है इधर, ये CPU के साथ जा रहा है, और सेम चीज़ आपको यहाँ पर ये पावर की इस पैड में जा रहा है जो कि हम यहाँ पर चेक करेंगे पावर का ये पैड। तो ये हमारे को यही पावर IC का मसला हमें लग रहा है कि हो सकता है लूज कनेक्शन के साथ चलते ये हो, और वो जो एक 220K का रजिस्टर लगा हुआ है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है,
ये देखिए, ये आपको रजिस्टर दिखाई दे रहा है, 220K का रजिस्टर जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आपको सेम चीज़ फ़ोन के उस हिसाब से दिखाऊँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं आपको ZXW ओपन करके, तो थोड़ा सा देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मेरा ZXW ओपन हो चुका है, अभी मैं चला रहा जिन जाओ, और यहाँ पर आईफोन ओपन करूँगा, 6 में जाऊँगा, और यहाँ पर ओपन करना होगा मुझे 6 ब्लॉक, और यहाँ पे बोर्ड व्यू करता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा एंगल घुमाऊँगा, ये देखिए, तो आप देख सकते हैं सेम चीज़, ये आपका पावर की कनेक्टर, ये आपका इस लाइन पे हमने चेक किया, और ये आपका सीपीयू में जा रहा है। तो सीपीयू में जाने से पहले आपको बताता हूँ कि स्विच करके बोर्ड को कि ये कहाँ जा रहा है आपका, तो इसको स्विच करते हैं। तो देखिए, ये बोर्ड के पीछे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये कॉइल है, देखिए कॉइल में जा रहा है, और ये कॉइल का दूसरा सिरा, और जो इस कैपेसिटर में जा रहा है, और उसके बाद ये जा रहा है इस पावर के अंदर, ये देखिए इधर साइड में, ये देखिए, और इसकी लाइन, अगर मैं बात करूँ कौन सी लेयर पे इसकी लाइन है, तो मैं आपको लेयर समझाता हूँ, अगर आप ZXW चलाते हैं तो लेयर का नॉलेज अच्छा हो जाएगा आपका। तो इसकी लाइन जैसे कि बता रहे हैं यहाँ पे पॉइंट डाल दिया है कि अगर ये उखड़ जाए तो हम यहाँ से स्क्रैच करके इसको बना सकते हैं, बट अगर मैं लेयर की बात करूँ, सरफेस हटा देता हूँ, तो आप देखिएगा मुझे ये लेयर नहीं मिली, ये भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ओके, ये देखिए, मतलब सबसे लास्ट 8वीं लेयर पे आप देख सकते हैं, 8वीं लेयर से, तो ये लेयर यहाँ से इस तरह से जा रही है, ये देखिए, ये इस आईसी से नीचे से होते हुए, ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इतने इंटरनली आपको दिखेगी ये लेयर, ये देखिए, ये लेयर 8वीं लेयर, और फिर यहाँ, मतलब अब अगर हम यहाँ पर स्क्रैचिंग कर सकते हैं, अगर मान लो पैड निकल गया तो, या फिर हम बात करें अगर इंटरनली लाइन सर्किट ब्रेक है या शॉर्ट है, तो हम यहाँ पर स्क्रैच कर सकते हैं।
दोस्तों हमारे यहाँ पर अब हम अपना डायग्राम के हिसाब से एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि हमारे पैड में कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो हम इसको माइक्रो जंपिंग करेंगे इसकी। ऐसा ही केस बहुत पहले भी आया था पर उसका वीडियो मैं बना नहीं पाया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीमीटर मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर अब सेम चीज़ हम इसको पैड में देखेंगे कि ये हमारे पैड से कैसे जा रहा है और हमें कनेक्ट कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें इसको हम समझते हैं यहाँ पर। तो अगर ठीक है तो यहाँ D20 हमारा ये है, ये हमारा यहाँ से 1, 2, 3, 4 और चौथे के नीचे से है हमारा, ये हमारा नोज कट पॉइंट है इधर। तो ये हमारा A हो गया, ये B बिल्कुल, ये C और ये D और ये D20। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कनेक्टेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि IC तो कनेक्टेड है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके साथ CPU भी कनेक्टेड है, तो CPU का जो GR है वो इसको कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर। और इसके साथ में इसकी कनेक्टिविटी मैं रजिस्टर के साथ दिखा सकता हूँ, बट यहाँ पर वो रजिस्टर मैं आपको बता दूँ वो यहाँ पर लगा हुआ है। स्क्रीन के नीचे है जस्ट। तो बट हमको ज़रूरत नहीं है, हमको एक बार इसको रिबॉल करना है और रिबॉल करने से आयोग की काम हमारा हो जाना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए हम इसको रिबॉल करते हैं।
तो हमारी आईसी फाइनली लग गई है, तो हम जो 1.8 वोल्टेज सर्च कर रहे हैं वो वोल्टेज एक बार देखेंगे कि हमारे को 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी आईसी लग गई है, अब एक बार जीआर चेक करेंगे कि हमारे को जीआर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और जीआर में कितना डिफरेंस आया है, पहले के जीआर और अब के जीआर में क्या डिफरेंस है ये भी हम नोटिस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा डायोड मोड पे है, और हमने इसको आपके लिए क्लीन कर दिया है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कनेक्टर। देखिए 585, तो बिल्कुल जीआर में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, जीआर एकदम सही है। तो लाइन मतलब जीआर दोनों से मिल रहा था, तो वो आईसी जो वोल्टेज नहीं बना रही थी या जो भी है, हम इसको चेक करेंगे एक बार। तो अब हम बूट की लगाते हैं इसमें, देखिए इसमें मैं बूट की लगाता हूँ सेम चीज़, और की और उसको पावर ऑन करने की कोशिश करता हूँ उसको। तो मैंने बूट की लगा दी है इसमें, अब मैं इसमें वोल्टेज चेक करूंगा। अब यहाँ पर आप वोल्टेज देखिए कितने ले रहे हैं, जो पहले वोल्टेज आपको बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, वोल्टेज आप चेक करेंगे फिर से तो आप देखेंगे कि 1.6 वोल्टेज आ गए हैं, जो कि पहले 0.91 वोल्टेज कुछ ऐसा हो रहा था, अब 1.6 वोल्टेज इसमें बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज है। तो हम इसको ऑन करेंगे और देखेंगे कि हमारा बूट ऑन होता है कि नहीं होता है, और हमारे को लोगो या हमारा फ़ोन किस कंडीशन में है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये हमारा डिस्प्ले है, ये आपको दिख रहा होगा। अब हम इसको ऑन करेंगे, ये हमने डिस्प्ले लगा लिया अपना, और ये हमने पावर लगा लिया है। अब हम इसकी पावर की को स्विच करेंगे। नहीं क्या? अरे ठीक है ना मम्मी, ठीक है ना, दवाई लाया तो मेरी दीपक के भी तो लग गए इसमें। मम्मी एक मिनट चुप रहो, तो अब हम पावर की को हम प्रेस करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारी जो वो है, तो देखिए दोस्तों हमारा लोगो आ चुका है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मतलब हमारा काम परफेक्टली हो चुका है और हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। तो पहले पावर की वर्क नहीं कर रही थी, आप देख सकते हैं कि लोगो आ चुका है, इसका मतलब हमारा काम हो गया है, ठीक है। तो वेट करेंगे हम कि फ़ोन हमारा चालू होता है या लोगों पर है, क्योंकि जनरली ये फ़ोन डेड कंडीशन में ही पड़ा हुआ था।
चलिए हमारा फ़ोन पूरा चालू हो गया है और आप देख सकते हैं पीसीबी यहाँ पर। ठीक, तो मैं आपको एक बार आइडेंटिफाई करवाता हूँ पीछे से कि जो हमने पावर निकाली थी। ठीक, बता दो। तो हम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मुझे ये निकालना होगा केबल। ये आप देखिए, यही पावर आपने देखी होगी, हमने निकाली होगी, तो हमारा काम सक्सेसफुली हो गया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताएगा ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो में की हमने बहुत मेहनत हमेशा हर वीडियो की तरह। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक दबा दो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यारो क्या कर रहे हो आप, पुराने वीडियो जाओ तो देखो तो कितना काम डला है। आपको अगर यही चीज़ एंड्रॉयड में चाहिए ना, तो नोट 4 का बनाया मैंने, जिसमें मैंने पूरा पावर आईसी के अंदर तक का मैंने आपको पूरा लाइन सप्लाई लाइन सब बताया है। जैसा इस बार मैंने आईफोन 6 में आपको ये डिटेलिंग कर दी, मैं चाहता तो सीधा आईसी को निकाल के लगा कर मैं इसको कर सकता था, पीछे गाने वाने चला सकता था और म्यूट होकर कर सकता था। बट दोस्तों क्या है ना, हमें समझाना आता है, हमें बोलना आता है, और यही एक हमारी की है जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको आप समझ सकते हैं हमारी R&D है। और यही इसी में हम बहुत बेस्ट हैं, क्योंकि एक टीचर होता है एक, अगर मैं यहाँ पर किसी बंदे को बिठा देता ना, मान लो जिसको काम आता है तो वो कर लेता, पर वो समझा नहीं पाता। तो आप देखो कि ऐसे ऐसी जगह पे जाने से अच्छा है जिनके टीचर समझा नहीं पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे, तो उससे अच्छा है कि आप ऐसी जगह पे पढ़ो जहाँ आपको बहुत सारा काम देखने को मिल रहा है और संतुष्टि महसूस हो रही है। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के साथ में, और अगर आपको रिपेयरिंग सीखना है तो इसे टेलीकॉम को ज्वाइन करें, क्योंकि हम आपको गारंटी बिल्कुल भी नहीं देंगे, ना ही हम आपको कोई बॉक्स देंगे फ्री में, ना ही हम आपको ये बोलेंगे कि आप अपने दोस्त को ले आओ तो एक दोस्त फ्री कर देंगे, ना ही हम आपको कोई मशीन दे देंगे, कुछ भी फ्री में नहीं देंगे। जो हमारे रूल्स हैं वही रूल्स, और हमारे रूल्स और स्ट्रांग हो चुके हैं, और हमने अपने रूल्स को और स्ट्रांग कर लिया है। तो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट एक इंस्टीट्यूट नहीं, एक गुरुकुल है, और हम बहुत रूल्स को फॉलो करके ही चलते हैं, और ताकि हम हमारे यहाँ पढ़ने वाला हर स्टूडेंट जानता है कि यहाँ हम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सीखें, अगर आप हमारे कंधे पे हाथ रखकर एक हाथ में सिगरेट पीकर और एक हाथ में चाय का सुट्टा मार के अगर आप सीखने आने की सोच रहे हैं तो इस इंस्टीट्यूट आपके लायक नहीं है। ऐसी जगह जाओ जहाँ आप चाहते हो तो, बट अगर आपको सीखना है और आपको लगना है कि इस फील्ड में मुझे बहुत आगे जाना है और लंबे समय तक जुड़े रहना है, तो फिर हमारे को ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन शूट कौन है? आप भी लगा कि प्रॉपर में आप, थैंक यू सो मच भाई, एक बार ताली बजा दो। इन्होंने परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है, तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई एक महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आपको ही नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, लेकिन दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो
वो दिल से, तो वो सर टच हो सकते हैं। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूँगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारी मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। हाँ, तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड हो वाला है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें। तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो टेक्नीशियन लोग तो उनको मैंने को भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट करते, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए तो दो तीन स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो कहते थे अच्छा है, हाँ ड्राइवर को सब कुछ बना मिलेंगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज मिले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Mansoor 1001 and 2008 Certified Institute.